कहानी की शुरुआत होती है एक रेगिस्तान में एक छोटा सा चूहे के पीछे एक डिजर्ट पड़ जाती है। वह अपनी जान बचाने के लिए वह एक बिल में छिप जाता है। छिपने के चक्कर में उसका खाना बाहर ही गिर जाता है। वो चूहा डिजर्ट के जाने के बाद अपना खाना फिर से उठा लेता है। वो भागते समय एक छोटे से चूहे से टकरा जाता है वो चूहा उसके पीछे उसे सही बिठा कर चला जाता है। रेगिस्तान में वो पक्षी अकेला होने के कारण वो उसके पीछे चला जाता है। तभी एक सांप उस चूहे चूजे को खाने ही वाला होता है। यह देखकर चूहा अपने खाने के नीचे गिराकर उस पक्षी को जान बचा लेता है। उसे एक बड़े पत्थर के ऊपर रख देता है। अपना खाने वापस लेने के लिए जाने लगता है। चूहे जब पीछे देखता है उस पक्षी के चारों ओर बिच्छू थे। चूहा अपने खाने को छोड़कर उस पक्षी की जान बचा लेता है। उसके बाद उन दोनों पर बहुत ज्यादा मुसीबत का सामना करना पड़ता है। उस पक्षी को बचाने के लिए मुसीबतों के पीछे हाथ धोकर पीछे पड़ जाती है। चूहा मुसीबतों से हार नहीं मानता, उसका सामना करता है और एक ऊंची पहाड़ी के ऊपर आ जाता है। वो पक्षी को हवा में उछालने लगता है। तभी एक ईगल उस पक्षी को अपने पंजे में दबाकर उड़ा ले जाती है। उसे पक्षी को बचाने के लिए वो चूहा अपनी जान की परवाह किए बगैर पहाड़ से कूद जाता है। वो पक्षी को बचाकर पहाड़ की तरफ देता है। नन्हा पक्षी चूहे को लेकर बहुत परेशान हो जाता है। हवा के कारण वो पक्षी वापस ऊपर आ जाता है। वो दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। कुछ समय बीतने के बाद वो छोटा पक्षी अब बड़ा हो जाता है। अब उसके पास खाने की कोई कमी नहीं होती। चूहे ने अच्छे काम करने के कारण उसके पास कोई खाने की कमी नहीं है। दोस्तों, ऐसी दोस्ती आपके और मेरे बीच में भी होनी चाहिए। वो दोनों आज भी एक दूसरे के साथ में हैं। इसलिए तो मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लेके आता हूँ। और गाइस, ऐसी वीडियो और देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप देख सकते हो। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपको तहे दिल से शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।